आइए श्री श्री रामकृष्ण कुंती का हम लोग आज पाठ एवं श्रवण करें। सबसे पहले रामकृष्ण ध्यान, श्री श्री रामकृष्ण देव का जो ध्यान मंत्र है वे छवि भी पुस्तिका में ऊपर में लिखा है। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतं एकस्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपंचं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। श्री श्री रामकृष्ण पुंथी हेतु मंगलाचरण, सबसे ऊपर में जो छह पंक्तियां हैं उसका हम पाठ करते हैं। ये बंगला में है, इसका पाठ इस पुंथी के प्रारंभ में किया जाता है। जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु, जय जय भगवान जगतेर गुरु, जय जय गुरुमाता जगत जननी, रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी, जय जय रामकृष्ण इष्टगोष्ठीगण सवार चरण रेणु मागे अधम, सवार चरण रेणु मागे अधम। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। श्री रामकृष्ण देव जहाँ वांछा कल्पतरु है, हमारे शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि कल्पतरु वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे कोई अगर जाता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है तो जो भी जैसी भी इच्छा प्रकट हुई हो वह उसी समय पूर्ण हो जाती है। तो श्री रामकृष्ण ऐसे वांछा कल्पतरु हैं। श्री रामकृष्ण देवी कहानियों में आता है कि एक व्यक्ति गया किसी वृक्ष के नीचे बैठा और मन में आया कि अरे बड़ी धूप है, खाने पीने का कुछ अगर मिल जाता, पेट में भूख लगी है तो बहुत अच्छा होता। तो उसी समय क्या हुआ कि अच्छा मौसम हो गया, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हो गई। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये इतना सारा सामान, इतना सुंदर स्वादिष्ट सामान, अच्छे से सुसज्जित कि देख करके ही उसको खाने की इच्छा हो। इस जंगल में कहाँ से आया, उस समय ये चीज़ उसके मन में विवेक नहीं जागा। भूख लगी है, जब आदमी भूखा होता है तो खाने की वस्तु दिखाई देती है तो फटाफट खा लिया। खाने के पश्चात थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, कोई खाट हो तो कैसी हो, थोड़ा बिस्तर अच्छा हो, उसी समय बिस्तर प्रस्तुत। वो फिर आश्चर्य करता है, अरे ये क्या हुआ, इतना सब व्यवस्था। वो जैसे ही उस पर बैठा उसको अच्छी नींद आने लगी, उतने में ही मन में संशय हुआ कि अरे ये सब कैसे हो सकता है, यहाँ इस जंगल में जहाँ शेर बाघ भालू रहते हैं
वहाँ इतने अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हो गई, इतने अच्छे खाट की व्यवस्था हो गई, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ तो जंगली जानवर है, अगर फिर कोई सिंह आ गया तो वो तो मुझे खा ही जाएगा। उसके मन में ये हुआ और वहाँ पे एक सिंह प्रकट हो गया और वो भागे तो कहाँ भागे, उसके मन में इच्छा और इच्छा अनिच्छा विवेक वैराग्य सब खत्म। उसके मन में यही हुआ कि अरे ये तो सिंह सामने आ गया है, ये तो मुझे खा ही जाएगा, और उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। तो ये है हमारे कल्पतरु वृक्ष के नीचे अगर हम जरा भी कोई भी इच्छा करें वो पूर्ण होकर ही रहेगी। इसलिए ये एक विवेक मन में आना चाहिए कि हम श्री रामकृष्ण देव के पास आए हैं तो क्या हमारे मन में उदय होना चाहिए कि क्या चाहिए हमको। तो मन की जैसी अवस्था रहती है उस पर अगर हमारा विवेक रूपी अंकुश न रहे तो न जाने ईश्वर के पास हम क्या मांग बैठे। राजा के पास गए और बोले कि आज घर में तो खाना पीना नहीं है, 2 किलो चावल, 1/2 किलो आलू दे दो, थोड़ा सा 1/6 घी दे दो, थोड़ा बना बनू लेंगे। राजा बोलेगा अरे क्या लेने के लिए आ गया, चल ठीक है जा रे इसको दे दे रे, काम खत्म। तो वैसे ही है, जब किसी राजा के पास जाएं तो क्या हम इतनी सी बात करेंगे, क्या मांगेंगे। श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोलते हैं 1 जनवरी 1886 को काशीपुर उद्यान वाटिका में वो बोलते हैं, और मैं तुम लोगों को क्या बोलूं, तुम सब लोगों को चैतन्य हो, तुम सब लोगों को चैतन्य हो। अब ये चैतन्य कैसे हो, कहाँ से हो, ये चैतन्य हो कि ये संपूर्ण जगत ईश्वरमय है, ये चैतन्य हो कि मैं और प्रभु इन दोनों के बीच संपर्क क्या है। तभी कहाँ से चैतन्य हो, इस जड़वादिता रूपी संसार से चैतन्य हो। हमारा मन सब समय इस शरीर के सभी क्रियाकलापों के साथ ऐसा जुड़ा है कि हम भूल ही जाते हैं, हम अपने आप को अन्नगत प्राण जो बोलते हैं, इस शरीर में जो अन्न दिया जाता है उसी के प्रभाव से ये शरीर मन प्राण चलते हैं, तो हम उसी की ही चिंतन में लगे रहते हैं। उस चिंतन से बाहर आने का जो चैतन्य है उसके लिए श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु उत्सव के दिन, जो कि बाद में कल्पतरु उत्सव के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाने लगा, वो था 1 जनवरी 1886 से शुरू हुआ। तो वे ये क्या बोलते हैं, और तुमको क्या बोलूँ, तुम सबको चैतन्य हो। और ये चैतन्य की चाबी कहाँ है, वो यहाँ है। जय जय गुरु माता जगत जननी राम कृष्ण भक्तिदात्री चैतन्य दायिनी। तो ये जो गुरु माता है, कहें तो इसको गुरु माता को गुरु की माता बोले या गुरु उनकी जो धर्म पत्नी है उनकी पत्नी को भी माता के रूप में स्वीकारा जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने अपनी धर्म पत्नी श्री श्री माँ शारदा देवी को भी ये बोला, जब माँ पूछती हैं उनसे कि आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, श्री रामकृष्ण देव का ये उत्तर रहता है कि जो माँ मंदिर में भवतारिणी के रूप में माँ काली के रूप में है, जिस माँ ने इस शरीर को जन्म दिया है नहावत में रहती है, वही माँ यहाँ मेरे सेवा में नियुक्त है। तो ये एक इतना उच्च आधार, साधक जीवन का एक उच्च आधार, साधन जीवन का एक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का स्वरूप, जिसमें प्रकृति जिसको माता के रूप में मानते हैं उनको साक्षात स्त्री स्वरूपिणी को माता के रूप में देखने का जो जो दृष्टिकोण है,
वो यहाँ पे आता है और वही यहाँ गोचर होता है कि श्री श्री माँ शारदा, जिनको उन्होंने माता के रूप में भी स्वीकार किया, षोडशी रूप में उनकी पूजा भी की, उन्होंने जितनी साधनाएं आज तक की वे सब जो हैं श्री श्री माँ शारदा देवी के चरणों में अर्पण कर दी। उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैंने किया ही कितना है, तुमको तो अभी बहुत कुछ करना है। ये एक सौंदर्य इस अवतार में देखने को मिलता है, जहाँ श्री श्री माँ शारदा जो कि प्रकृति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, उनके प्रणाम मंत्र में गुरुजनों ने लिखा यथा अग्ने दाहिका शक्ति राम कृष्णे स्थिता ही या। जो श्री रामकृष्ण देव के अंतर में जो शक्ति स्वरूपिणी स्थित हैं, जैसे अग्नि उस और उसकी जलाने वाली शक्ति दाहिका शक्ति एक हैं, वैसे ही ये शक्ति स्वरूपिणी कौन है? श्री श्री माँ शारदा देवी, जिनका हम प्रतिदिन स्तोत्र पाठ करते हैं, प्रकृतिम परमाम ऐसा करके जो हम गाते हैं। तो वही यहाँ पे है कि वे क्या करती हैं, वे श्री रामकृष्ण देव के प्रति हमारे अंतर में भक्ति का संचार करती हैं। आज श्री रामकृष्ण देव जिनके पास हम भक्ति स्वरूप पुष्प के रूप में जब माँ के द्वारा चढ़ाए दिए जाते हैं, तो हमको चैतन्य प्रदान करती है कि देख तुम और तुम्हारा इष्ट एक हैं, तुम और तुम्हारे इष्ट के बीच ये संपर्क है, मैं तुम्हारी जननी हूँ, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं, ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जैसा नहीं, मैं अंतर से भी अंतर तुम्हारी अपनी माता हूँ। तो ये है जगत जननी, जिसके बारे में पुंथिकार अक्षय कुमार सेन जी लिखते हैं, जय जय गुरु माता जगत जननी राम कृष्ण भक्ति दात्री चैतन्य दायिनी। और ये चैतन्य क्या है? वो चैतन्य है ये संसार जिसके बारे में हम रात दिन चिंतन करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सरति इति संसार, जो सब समय सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, हाथ से फिसलता जा रहा है। इस संसार के रहस्य को बताने वाली ये है चैतन्य दायिनी शारदा स्वरूप। ये शारदा माने जो हमें सार दे, ये सार प्रत्येक वस्तु के सार की जानकारी कराए, वो है चैतन्य दायिनी। तो ये बहुत सुंदर इसमें वर्णना की गई है। उसके पश्चात जैसे आता है जय जय राम कृष्ण इष्ट गोष्ठीगण, ईष्ट गोष्ठीगण के अंतर में सभी आ जाते हैं। पूर्व में जिन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव के इस अवतार तत्व को समझने का प्रयास किया, जिन्होंने उनसे सिद्धि लाभ किया, और भविष्य में भी जब कभी भी उनके नाम का स्मरण करने वाले आएंगे, वे सभी ईष्ट की गोष्ठी है, ईष्ट के दल से हैं, ईष्ट के स्वरूप से ही निकल के आए हैं। उन सभी को अक्षय कुमार सेन जी अपने आप को अधम बोलते हैं। अधम क्यों बोलते हैं? ये उनके अपने विचारों में, अपने अंतर में भक्ति की कमी के कारण बोलते हैं। तो ये भक्ति की कमी हम जिस प्रकार जिनकी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको पढ़ करके हमको भक्ति लाभ होता है, चैतन्य लाभ होता है, ये उनका विनीत विनम्र भाव ही है, जिससे पता चलता है कि वे कितने श्री रामकृष्णमय हो गए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि जब आलू जब पका लिया जाता है, जब उसको उबाल दिया जाता है, तो कैसा होता है? एकदम नरम हो जाता है। तो भक्तिवान पुरुष कैसे हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं। उनका अहंकार और उनका जो क्रोध होता है वो एक दिखाने मात्र जैसा रहता है। वैसा ही है कि ये अपने ही स्वरूप के प्रति इतने अनुरागी हैं कि अपने ही मन को बोलते हैं तुम तो अधम है, तुम्हारी ऐसी गति के बीच में होते हुए भी श्री रामकृष्ण देव की कृपा से तुम इस ग्रंथ को लिख पा रहे हो, इसके बारे में तुम चर्चा कर पा रहे हो। इसलिए वो जितने भी भविष्य में भी आने वाले जितने श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं,
उनके चरणों में प्रणाम बोलते हैं। आइए इस पंक्ति का पाठ करते हैं। पिछली बार पृष्ठ संख्या 27 तक पढ़ा था, आगे इसकी चर्चा करते हैं। पृष्ठ संख्या 28, यहाँ ये उल्लेखनीय है, जो नए आए हैं, जो प्रतिदिन आ रहे हैं, उनका तो वो तो सब जानते हैं। इसको पुनः इसका पाठ किया गया ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए ये दोबारा हो जाए, और आगे की कक्षाओं में जैसे आप और नियमित रूप से इसको इसका रस ले सकें। तो 28 नंबर पृष्ठ पर हम आज इसका थोड़ा पाठ करेंगे। और ये जो विषय है, जो ये रामकृष्ण पुंथी से जो हमने ये प्रकरण शुरू किया है, वो है तंत्र साधना का। तो हम साधना की दृष्टि से जब भी किसी गुरुजनों के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वे बोलते हैं इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, ये करो और वो करो। गीता जी भी बोलती हैं त्यागे नेक अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा ही व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति होती है। उपनिषद में भी आता है कश्चित धीरह प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। इसका अर्थ है कश्चित धीरह, कुछ ही ऐसे धीर लोग हैं। धीर का मतलब जिसको आज की भाषा में क्या बोलते हैं, हीरो, नायक, जो हम फिल्मों में देखते हैं नायक जो होता है, कितनी मार खाता है, कितना सब कष्ट पाता है, अंत में विजयी होता है। तो ये संकल्पना उपनिषदों में की गई है कि धीर पुरुष माने हीरोइक मैन और हीरोइक विमेन। तो ये जो धीर की जो कल्पना की गई है, वो बोलते हैं कुछ ही धीर लोग होते हैं। कश्चित धीरः प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, ऐक्षत माने ईक्षते माने देखना, प्रत्येक आत्मानम जो अंतर में स्थित उस आत्मा को देखता है, प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु, जिनके चक्षु बाहर की तरफ है वो आवृत करते हैं। जैसे घोड़े के आंखों के ऊपर में पट्टी बांधते तो सीधा चलता है, वैसा ही यहाँ चक्षु के लिए बोला गया आंखों के ऊपर में पट्टी लगा दिया। किंतु उपनिषदों में जैसे किसी को बोल दिया है कि भाई मंदिर के अंदर वो कुर्सी वगैरह है, वो जो फर्नीचर वगैरह है, तो ये वगैरह के जैसे चक्षु के साथ और भी वस्तुएं जुड़ जाती हैं। वो क्या हैं, जैसे हम बोलते हैं त्वचा, जिह्वा, आँखें, कान, नाक इत्यादि सभी इंद्रियों के द्वारा जहाँ हम संसार में अपने क्रियाकलाप करते हैं, उन सबको इस शब्द समूह के द्वारा बताया गया है। सभी इंद्रियों को समेट करके जो व्यक्ति अपने मन को अंतर्मुखी करता है, उसी के लिए बताया गया है कश्चित धीरः प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृत तत्वम इच्छन। अमृत की प्राप्ति की इच्छा से सब इंद्रियों से अपने आप को समेट लेता है। इस प्रकार की आज्ञाएं सामान्यतः साधक वर्गों में कही जाती है। यहाँ तंत्र मत में ऐसा है कि जब सब कुछ सृष्टि ईश्वर के द्वारा हुई है तो इन इंद्रियों की सृष्टि भी ईश्वर के द्वारा की गई है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि सभी स्पर्श योग्य हमारी इंद्रियों की सृष्टि भी ईश्वर ने की है। तो उनमें जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वे सब क्रियाकलाप जो है वो भी ईश्वर की ही कृपा से हो रहे हैं। तो यही जो है इस तंत्र मत में कि सभी प्रकार की वस्तुओं को लेकर के ये साधना कर पाएँ। ये सबसे कठिन साधना रहती है कि हम भोग की दृष्टि को हटा करके भोग करें, ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक रहते हैं उन्हीं के मत में तंत्र मत के द्वारा साधना होती है। इसी मत से साधना करवाने के लिए श्री श्री रामकृष्ण देव के पास भैरवी ब्राह्मणी का आगमन होता है, जो उनकी तंत्र मत के द्वारा गुरुजन हैं, और उन्हीं की चर्चा यहाँ चल रही है। इसमें श्री रामकृष्ण देव कितने अपनी साधना में उन्नत हुए हैं, उस साधना में उन्नति को
अपनी कसौटी पे कस के देखने के लिए मथुर बाबू कह सकते हैं कि लग पड़े हैं, पीछे लग गए हैं कि मैं ये देख के रहूँगा कि श्री रामकृष्ण देव को जो अवतार बोला जाता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ मुख से बोले जाने वाली, होठों के द्वारा कहे जाने वाले शब्दों की सर्विस है या सचमुच में है। क्या होता है कि हम किसी बच्चे के सामने रख दो और अगर प्रिंसिपल मैडम बोल दे देखो कोई कुछ दे दे तो नहीं खाना, मान लो उसके सामने में अमूल चॉकलेट रख दिया या 5 स्टार रख दिया या कुछ भी सिल्की बार रख दिया, कुछ रख दिया, बच्चे के मन में तो आएगा ये तो बहुत बढ़िया चॉकलेट, खा लूँ। किंतु पास में टीचर बैठी तो यहाँ इंद्रियाँ दूसरी बात बोल रही है और मन दूसरी बात बोल रहा है। तो इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करने के लिए ये तंत्र मत के द्वारा जो मथुर बाबू इसकी इनकी कसौटी करते हैं उसी का वर्णन यहाँ इन्होंने इस तंत्र मत के ऊपर में जो अपनी कविता लिखी है उसी पर आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं। गंगार माजारे उठे दुफालिया जल, अगणन मतवारा कीर्तनेर दल, गायक वादक जत कार नहीं होश, नाचे गाए माझे दुटी सुंदर पुरुष, प्रभुदेव चिनिलेन प्रति जने जने, लोक जत एकत्रित आचिल कीर्तने। उठी तीरे ताहारे घेरिया कतक्षण, नीचे गे पुनः जले হইল মগন, জলবিম্ব উঠে যেন লয়ে হয়ে জলে, তেমতি ডুবিল দল গঙ্গার সলিলে। শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কে বা কে কই এ দিব্য দর্শন হতা হ্যাঁ কি গঙ্গা নদী জো বা হ্যাঁ উসকে বীচ মে সে এক দল নিকল কে আ রা হ্যাঁ ও কীর্তন কা এসা দল হ্যাঁ জিসমে চৈতন্য মহাপ্রভু আর ইয়ে দিখাই দে রহে হ্যাঁ নিত্যানন্দজি तो उनके साथ में ये कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो उस समय की बात है जब श्री रामकृष्ण देव का अवतरण होता है तो बंगाल में जब इस प्रकार का कीर्तन का जब ये प्रचार शुरू करते हैं चैतन्य देव, तो उन सभी में ये संशय फिर भी बना रहता है कि क्या ये अवतार पुरुष हैं कि नहीं, और इसी का ही संशय इनको यहाँ पूर्ण मिलता है कि कैसे वो एक दिव्य दर्शन देखते हैं जिससे गंगा नदी का जो है वक्षस्थल दो स्तर में बदलकर उसके अंतर से इस प्रकार से सुंदर एक दिव्य पुरुष जो है सामने में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं और विभिन्न उनके पीछे में दल है, बहुत सारे दल हैं जो नाच गान करते हुए आ रहे हैं, हरि कीर्तन करते हुए आ रहे हैं और उनके चारों तरफ परिक्रमा करके गंगा जी में विलीन हो जाते हैं। ये देखकर बोलते हैं गौरांग अवतार कीना श्री प्रभुर मोने, असंभव संद समुदित होलो कने, विशेष कारण आछे सुनो सुनो मौन, विश्व गुरु रूपे प्रभु ब्रह्म सनातन, जीव हितो एक व्रतो सतत अंतरे, जैव भावे आचरण जीवेर उद्धारे, भावा चिंता करा कमो लीलार जीवने, एक लक्ष्य अपना उद्देश्य साधने। यहाँ यह है कि किस लिए अवतरण होता है उसके बारे में बताया गया, इसका मैंने हिंदी अनुवाद करके रखा आप पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा हो गई है इसलिए ज़्यादा इसके अंतर में नहीं जा रहा हूँ। स्वेच्छाए संदेह जुक्तो मने आपनार, स्वेच्छाए कौरिन मुक्तो खेलिए आबार। ये बड़ी सुंदर पंक्ति है कि कहते हैं ईश्वर हमारे मन को जब चाहें विभिन्न माया जाल में जिसको बोलते हैं फंसा देते हैं, उनकी जैसी इच्छा कर देते हैं। ये भी एक है, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं मन से ही व्यक्ति मुक्त है, मन से ही व्यक्ति आबद्ध है। हम हमारे मन में जिस प्रकार के दृष्टिकोण को अपना लेते हैं वैसे ही किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अगर दृष्टिकोण अच्छा न हो तो अगर वो खांसे तो भी हमको पसंद न आए, वो अगर चलता हुआ दिखाई दे तो भी हमको अच्छा न लगे, और वही व्यक्ति उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा हो जाए तो हमारे मन में स्वर्ग खेलने लगता है। तो वही बात यह है, ईश्वर तुम्हारी इच्छा से ही व्यक्ति के अंदर में संदेह होता है
उन्हीं की इच्छा से व्यक्ति के अंतर में संदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, तुम इतने 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास करते हो, किंतु तुम अगर अपने आप में विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ मुक्ति का अर्थ जो साधक वर्ग बोलते हैं लिबरेशन, निर्वाण, उससे न लगा करके अगर हमारे संशयों से भी मुक्ति की प्राप्ति की कहें तो वो यही है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में उसका अपना ईश्वर विद्यमान है, वो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। जब हमारे अंतर की ये शक्ति जाग उठती है तब किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता। ये दोनों तरफ से, द्वैतवाद से और अद्वैतवाद से भी ये पंक्तियाँ यहाँ पर अपना कार्य खेलती है। युक्त मुक्ति जहाँ होय लीला आचरण, ताहे करे जगतेर संदेह मोचन, अवतारे हेनो शक्ति वर्तमान रहे, सृष्टि गोटा आज्ञा तार मत शिरे बहे, की चेतन की वा जड़ सकले समान, प्रभुर लीलाए पावे प्रबुल प्रमाण। तो इसलिए ये सब चीज़ हमको ये समझ में आए कि हम स्वयं ईश्वर के ही अवतरण हैं, अपने स्वयं के बनाए हुए विभिन्न विचार पुंजों के ही स्वरूप हैं। इसको समझाने के लिए ये सब पंक्तियाँ आगे आती हैं कि इस चैतन्य को समझने के लिए इनकी लीला को समझना पड़ता है, इनके कर्मों को समझना पड़ता है, इनके वक्तव्य को बार बार अध्ययन करना पड़ता है। जैसे जैसे हम इसका अध्ययन करते जाते हैं कि चेतन की वह जड़ सकोले समान, प्रभु लीलाए भावे बहुत प्रमाण। ये जो प्रमाण है, जैसे हम इस वस्तु को देख रहे हैं, ये एक प्रमाण है। ऐसा ही क्या ईश्वर को देखा जाता है, वो भी प्रमाण है। स्वामी जी बोलते हैं, ओपन योर आइज एंड सी गॉड एवरीवेयर। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं तो आंखें खोल के देख रहा हूँ किंतु भगवान तो नहीं दिख रहे हैं, किंतु भगवान क्या है उसके प्रति जो मेरी परिभाषा मेरे मन में स्थित है, उसी प्रकार ही तो मैं जगत को देख रहा हूँ। इसी कारण बोलते हैं ईश्वर को देखना नहीं हो रहा है। और ये जो संदेह है, ईश्वर क्या है, ये जानने के संदेह को मिटाने के लिए ही श्री प्रभु की लीलाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुख आध्यात्मिक शक्ति आवर्तन जार घुरिते छे चिरकाल सृष्टिर संसार, सेहेतु आचार्य रूपी अवतार गण सिखिया सिखान जीवे उद्धार कारण, विनाशिते तमोसंदो लोचनो आधार चौतन्य आलोके देखे इष्ट आपनार, प्रबल पाश्चात्य शिक्षा एवे वर्तमाने जड़वादी अवतार आदत न माने। हम लोग आज भी ये बात हमारे माता पिता से सुनते आए, हम आगे भी अभी भी सुन रहे हैं और आने वाले लोगों में भी हम शायद सुनते रहेंगे। यही बोलते हैं कि जड़वादी विद्या चारों ओर है, उपभोक्तावादी विद्या चारों ओर है, इसी प्रकार का बाजार है, इसी प्रकार का ही यहाँ प्रचार है, इसके बीच में ईश्वर की चिंता करने का कोई भी समय नहीं है। ये बात युगों युगों से सुनते हुए आ रहे हैं। शंकराचार्य जी भी ऐसा बोलते आए हैं, फिर आगे अगर भगवान बुद्ध के बारे में देखें उन्होंने भी ऐसा बोला है, बीच में भगवान श्री कृष्ण देखें तो गीता जी में भी वो ये बात बोलते हैं। तो ये जो उपालंब है, ये जो हम सभी के ऊपर में ये एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि आजकल की पाश्चात्य शिक्षा या आजकल की शिक्षा के कारण लोगों में इस प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, ये सब समय रहा है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज करता है। कैसा सत्य है? श्री स्वामी जी बोलते हैं कि वी आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर जा रहे हैं। कैसे? छोटे जब थे तो हम जब बालक बालिका थे तो क्या करते थे, गंदगी में भी बैठ के आनंद मनाते थे, धूल को भी मुंह में डाल करके आनंद करते थे, अपना मोजा गोल करके एक दूसरे के ऊपर बॉल के समान खेलने के में आनंद करते थे। किंतु जब बड़े होते हैं
तो हमको वो सब अच्छा नहीं लगता है। कारण कि उस समय वो निम्नतर सत्य था, वो सत्य ही था। क्यों सत्य था? उस समय मन का विकास इतना ही था, उस समय इतना ही हमारे मन में आता था कि शायद ये वाली अलमारी का सब कपड़ा निकाल के इसके अंदर घुस के बंद करके देखूं और दूसरा कोई खोले तो उसको डरा। तो ये उसमें इन चीज़ों में आनंद मिलता था और वही मेरे लिए सत्य रहा होगा। किंतु जब बड़े हो रहे हैं तो इस प्रकार की भावनाओं से हम ऊपर उठ जाते हैं और उससे ऊंचे स्तर के सत्यों में हमारा मन प्रतिष्ठित होता है। ये सत्य कहाँ उद्भासित होता है? हमारे ही अंतर मन में उद्भासित होता है। और इस सत्य का ये एक ऐसा एक विषय है कि यहाँ एक आविष्कार हो गया कि ये वस्तु जो है नीचे गिरेगी, तो ये गुरुत्वाकर्षण की बात है। ये गिरेगी माने गिरेगी, ये भी एक सत्य है। ये यहाँ स्थापित हो गया इति सिद्धम, और इसको मान लिया गया और ये हमारे लिए और बार बार प्रयोग करने की बातचीत नहीं रहती, हाँ हो गया। किंतु सत्य एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन से संपर्क रहता है, जहाँ मन के अंतर में उस सत्य को स्वीकार करने की शक्ति जब तक नहीं आती है तब तक हम निम्नतर स्तर से उच्चतर होते जाते हैं। परम पूज्यपाद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के 13वें अध्यक्ष थे, तो उनसे भी पूछा गया तो बोलते हैं यस आई एम ग्रोइंग डेली गोइंग नियर टू द हायर ट्रूथ। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे पूर्णतया प्राप्त हो गया है, वो भी ये बोलते हैं कि ही इज स्टिल ग्रोइंग। क्योंकि ईश्वर के बारे में श्री रामकृष्ण देव की उक्तियों में आता है, वो बोलते हैं कि ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है, और ईश्वर साकार और निराकार के पार भी कुछ और है, वो है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वे आखिर हैं क्या, उसको समझने के लिए किसी न किसी लीला का अर्थ है कि उनके शरीर धारण से लेकर शरीर अवसान तक की जितनी क्रियाएं हैं उनका विचार मंथन करने से हमें पता चलता है कि उनके जीवन के मध्यस्थ ध्रुव तारा क्या रहा और वो किस प्रकार से चलते रहे। किसी से भी अगर हम जीवन के बारे में पूछें तो जो डॉक्टर होगा वो कहेगा कि चिकित्सक बनने से अच्छा है ना। हो सकता है जो अपने प्रोफेशन को पसंद करता है तो बोलेगा बिजनेसमैन, बी ए बिजनेसमैन, डेली वी विल अर्न लैक्स ऑफ मनी, है ना। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना आदर्श रहता है। श्री रामकृष्ण देव बार बार बोलते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य जो है ईश्वर दर्शन ही होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक उद्देश्य रहता है जीवन का, उस उद्देश्य के अनुरूप ही उसका एक संक्षिप्त शिक्षा रहती है। चाहे हम अपने माता पिता से भी कुछ पूछें, जरूर वो कोई ना कोई ऐसी वस्तु बोल देंगे जिसको बोलेंगे उनके जीवन का सार यहाँ है। तो वही बात है कि अगर इस प्रकार की शिक्षा में हम आगे बढ़ते हैं तो ये मानना चाहिए कि हम आज जिस चीज़ को सत्य मान रहे हैं उससे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। स्वामी जी बोलते हैं कि मैं बड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूँ, किंतु मेरे अपने जिद्दीपन पे भी मुझको लाज है, क्योंकि मैंने जो गलती की हो उन गलतियों पे मुझे अब किसी प्रकार की उपेक्षा या किसी प्रकार की अवहेलना या किसी प्रकार से ये नहीं सोचता कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्हीं के कारण आज मेरा विकास हुआ, उन्हीं के कारण मैं आज आगे बढ़ पाया। क्यों? उस समय वह वस्तु क्या थी मेरे लिए? निम्नतर सत्य आज दिखाई देता है, वो उस समय वही सत्य था और हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से यह है प्रबल पाश्चात्य शिक्षा ये भी वर्तमाने जड़ोवादी अवतार आदते न माने। अवतार होता है ये चीज़ हम नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते हैं? जो जड़वादिता है, जो लोग ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये प्रश्न सब समय लगता आया है, सब समय ही ये रहा है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, देखें देखें देखें, यही अनुसंधान, इसी को ही सत्यान्वेषण बोलते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पर
अपने द्वारा अपने मन पर अध्ययन करते हुए करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी सौंदर्य क्या है कि ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने ही सम्मोहन को मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम कभी कभी सुनते हैं, पारिवारिक जगत में भी सुनते हैं कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, क्यों, मैंने जो सोचा था ये वैसा नहीं था, माने इसका मतलब मेरी ही दृष्टि में कुछ और चश्मा लगा था जिस कारण से मैं सत्य नहीं देख पाया, मैं सम्मोहन में ग्रसित था, मैं भ्रम में ग्रसित था। दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैंने तो सत्य ही प्रकट किया, तुमने अच्छे से नहीं समझा। सभी लोगों की ये शिकायत रहती है, वो दूसरे से बोलते रहे तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो। सभी व्यक्तियों की ये परेशानी है, कारण सभी अपने अपने स्तर पर शक्तियों को देखते हैं, अपने अपने ही व्यक्तिगत विकास के द्वारा वो उस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लीला के चिंतन के ऊपर जोर दिया जाता है। हिमालय जो है, जिनकी पुत्री हैं शक्ति, पार्वती जो उनकी पुत्री हैं, दुर्गा के रूप में उनको दर्शन देती हैं, तो हिमालय इच्छा करके बोलते हैं कि तुम मेरी पुत्री तो हो किंतु देवी स्वरूपा हो, मुझ पर ऐसा आशीर्वाद करो कि जैसे मुझे तुम्हारे श्री चरणों में भक्ति रहे, सदा मति रहे। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है, किंतु माँ बोलती हैं कि मेरी जो ये जो भक्ति तुम जो चाहते हो उसको पाने के लिए तुमको सत्संग करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, जो रात दिन इन्हीं चर्चाओं में अपने मन को सब समय डुबाए रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु की एक पुस्तक में कहीं पढ़ने को मिलता है, वो बोलते हैं कि ग्राम्य कथा बोली बिना ग्राम्य कथा सुनी बिना। इसका अर्थ यह है कि जिन वस्तुओं में ईश्वरीय बातों की चर्चा न हो, न तो मैं उसे सुनूं, न मैं उसे बोलूं। ये देखेंगे कि अननेसेसरी टॉक्स, कभी कभी बोलते हैं यू आर डूइंग सो मच ऑफ लूज टॉक्स, रब्बिश, हम लोग इस प्रकार की बातें सुनते हैं। कारण क्या है, वही सुनने की इच्छा करती है, वही बोलने की इच्छा करती है। जैसा हम खाएंगे, मूली खाएंगे कि गाजर खाएंगे तो क्या होगा, वैसी ही डकार आएगी। तो ऐसी चीज़ों का इनपुट ही नहीं करना है जिसकी हम डकार लेना पसंद नहीं करते। तो वही बात है कि इन लीलाओं में इस प्रकार का रस छिपा है जो सब समय सत्यान्वेषण पर ही आधारित है, और उसी के द्वारा उसी की प्राप्ति के बारे में ही बोलती हैं और वही प्राप्त करवाती हैं। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि भक्त, भागवत और भगवान तीनों एक हैं, क्योंकि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो भी देखते हैं कि ये किसका अध्ययन करता है, भक्त की भी इच्छा है कि उसको और जाने, और ये त्रिपुटी मिल करके ईश्वरीय आस्वादन का स्वरूप बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण ने यद्यपि कहा रहे हो कुछ भक्ति, गौरांग अवतारे करे भीषण आपत्ति, ताई लीला चले करी गौरांग दर्शन करी लेन जगते संदेह। तो संदेह हम लोगों का जो रहता है ईश्वर के प्रति, उसको दूर करने के लिए ही इन महापुरुषों का जीवन अध्ययन चिंतन के लायक रहता है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 31, 31 पृष्ठ पर है। एकाने एक कथा सुनो बोली मौन, उपनिषद आदि वेद सोड़ो दर्शन, गीता गाथा तंत्र माला अठारो पुराण, जगते जावत शास्त्र उपाय विधान, प्रभुर आसन केहु परिषित नारे, एत दूर दूरांतर मायात उपरे, जनी आमी सुने लोके कबे कथा नाना, जेमन लेखक तार मत माथा खाना, बुद्धि साध्य पारगता ज्ञान भाषाय, पराधीन दास्य वृत्ति पेटेर जालाय। यहाँ पे पुंथिकार अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से इतने बड़े तत्व की चिंता कर रहा हूँ, कैसी ये मेरी मन की गति है कि मैं इसके बिना और कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए
चाहे मैं वो टीचर थे, शिक्षक थे, और वे इस प्रकार से लोगों को पढ़ा करके छोटा छोटा ट्यूशन करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, वही बात यहाँ बोल रहे हैं। मौसा मारा दोसा खानी चापड़े ना टेके, भूत प्रेत पाए लज्जा मूर्ति खाना देखे। बोलते मेरी जो मेरा जो स्वरूप है जानते हो कैसा है, कि मेरा जो स्वरूप भगवान ने बनाया वो ऐसा बना दिया कि भूत प्रेत भी अगर मुझे देखे तो डर के मारे भाग जाए या लज्जा करे या मुझ पर हंसे कि कैसा ये आदमी है। इसमें प्रथम ही आप देखेंगे अक्षय कुमार सेन का फोटो है, ये यहाँ पे है, तो उनका चेहरा देख के भी हम लोग देखेंगे अरे ये कैसा है, चेहरा तो सौम्य होना चाहिए, इतना सुंदर पुस्तक लिखा है, किंतु वैसी बात नहीं है। किंतु भगवान क्या देखते हैं, ईश्वर देखते हैं भाव। बाहर में हम कितना आडंबर करें, कितना तिलक तिलक लगाएं, कितना प्रणाम करते हैं, कितनी मंदिरों के घंटी बजाते हैं, ये सब बाह्य आचरण है, किंतु ये भी आवश्यक है, अगर ये भी ना करें तो ईश्वर की तरफ मन न जाए। किंतु ईश्वर किसके भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम तोयम, किसी भी प्रकार से इन चीज़ों का अर्पण उनके नाम से करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं तो ईश्वर को प्राप्त होता है। तो वही ये बोल रहे हैं कि देखने में तो मेरी मति गति अच्छी नहीं है, वे अपने आप को ढक के भी रखते थे, कारण ये कि ताकि कोई देखने ले, अगर देखेगा तो मेरी बात सुनेगा नहीं, ऐसा है। मौसा मारा दोसा खानी चापड़े ना टिके, मैंने जैसे मच्छर जो होता है अगर उसके सामने चापड़े थप्पड़ मार दे दोगे टिकेगा, वो मर जाएगा, तो उसकी हेल्थ ऐसी है, तो वो अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं। चंचल मनेर वृत्ति कॉपि पराजितो, कॉपि कवि काव्य तार रंजितो, केवल रंजित नये रंजित अतिशय, पूजक ब्राह्मणे ब्रह्म सनातन कय, जानिया ओ खान्त थाकि साध्य नकुलाय, पाछु थाकि केहो जेनो प्रवृति जन्माय, प्रत्यक्षते देखा जहा जहा किछु सुना, जा बोले बोलुक लोके कोरिको वर्णना, रानीर जामाता मध्ये मथुरा महन, नाना गुणे विभूषित बुद्धि विचक्षण। ये सब बातें अपने लिए वो हो सकता है इसलिए भूमिका बना रहे हैं, किंतु कुछ कुछ बातें ऐसी वो लिखने जा रहे हैं जिसमें हो सकता है कि कोई किसी को आपत्ति हो। जैसे आजकल फिल्म देखते हैं तो उसमें ए बोल के लिख दिया जाता है कि ये सेंसर्ड, हमने देख लिया है इसके अंदर और किसी प्रकार की चीज़ें अगर हैं तो इस प्रकार के व्यक्ति इसको ना देखें। तो वही है, ये अपने ही सेंसरिंग खुद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगत की जो महा आकर्षणीय वस्तु के साथ जो श्री रामकृष्ण देव का जो खेल है वो यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं, इसलिए बोल देते हैं कि मेरी मति गति अच्छी नहीं है, पहले से बता देता हूँ, फिर भी मेरे वर्णना कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वर्णना की बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कहाँ से वर्णना कर रहा हूँ, ये रेफरेंस दे रहे हैं, प्रत्यक्ष से देखा जहाँ जहाँ कुछ सुना, जा बोले बोलो लोके कोरी को वर्णना, मैंने जो कुछ भी सुना और मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जाना, मैं वही जो है आप लोगों को बोल रहा हूँ, वही वर्णना कर रहा हूँ। रानीर जामाता, अभी वो किसके लिए बता रहे हैं, मथुर बाबू, जिन्होंने श्री रामकृष्ण को कसौटी पर घसा, जबरदस्ती घसा, क्योंकि वो एक सांसारिक मनुष्य की उपमा के रूप में है। यहाँ उनकी जो गुरु माता है, जो भैरवी ब्राह्मणी है, उन्होंने तो श्री रामकृष्ण देव को अवतार स्वरूप घोषित कर दिया, किंतु ये मानने वाले नहीं है। क्यों, संदेह, संदेह इतना आसानी से नहीं मिटता। संदेह क्यों, हमारा मन जिस सत्य पे टिका है वो निम्नतर सत्य से सब समय उच्चतर सत्य की तलाश करता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करके उस तलाश को जारी रखता है, अन्वेषण को जारी रखता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, रानीर जामाता मध्ये मथुरा मोहन, नाना गुणे विभूषित बुद्धि विचक्षण। ऐसा बोल सकते हैं जैसे ये CBI ऑफिसर होंगे, अच्छे से देखेंगे, इस प्रकार से वो उनकी वर्णना करते हैं। ताई रानी जामाता है सुजग ये देखिए, विषय व्यवसाय कर्म दिलो समर्पी है, विपुल संपत्ति जमींदारी कारोबार, रखना वेखने
परजा लोचना भार। कार्यत मथुर एवे संपत्ति अधिकारी आज्ञवह दास दासी जतो कर्मचारी। ধনের অভাব নাহি বহুধন ঘরে কাঞ্চন আকর্ষণ কিবা অজ্ঞাত অন্তরে। আমি ইহা এক বহুত বাস্তবিকতা কি বাত বতা দি হ্যাঁ, ইতনা সব কুছ বিপুলতা উনকে অন্তর হ্যাঁ, ইতনে দার্শনিক হ্যাঁ, ইতনে বুদ্ধিমান হ্যাঁ, কিন্তু অন্তর মন মে ক্যোঁকি ও রানীকে জামাতা হ্যাঁ, রানীকে সারে কার্য দেখতে হ্যাঁ, তো রাজাকে জেসেই হ্যাঁ, আর উনকে অন্তর মে ইয়ে সব चीजों का प्रति आकर्षण है। तो बोलते हैं कामिनीर आकर्षण बुझे सोले आना, बुद्धि भ्रष्टो कर्म नष्टो यदि ओ घोटे ना। ये उनके ऊपर विशेष कृपा है कि सभी प्रकार के आकर्षणों को वो जानते हैं, किंतु मन का विवेक इतना जागृत है कि किसी प्रकार के दुश्चिंता वाले कार्यों में भी लिप्त नहीं है। प्रारंभ जौवन प्रभु रूप अंगे भरा। अभी यहाँ उनका वर्णन करके श्री राम कृष्ण देव के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। प्रारंभ जौवन प्रभु रूप अंगे भरा, सुबोध सुगठम सुंदर चेहरा। श्री राम कृष्ण देव को देखने से लगता ही है कि वो कितने सुंदर रहे होंगे, तो उसी प्रकार से उनके युवा काल की ये बारे में बता रहे हैं, उनके अंगों की कांति के बारे में बता रहे हैं। एक बारे काम विरोहित काया की ना जानीते वृतांत हेलो एकांत कामना। तो मथुर बाबू के मन में आ रहा है कि इनके शरीर की इंद्रियां तो संपूर्ण है, इनमें तो कोई कमी नहीं है, फिर ये सामान्य व्यक्ति के जैसे संसार के भोग राग इत्यादि में क्यों नहीं लिप्त हो रहे हैं। ऐसा क्या इनको पा लिया, ऐसा क्या अवतार 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 बोल के इनको प्रसिद्ध कर दिया। लेट मी चेक इट, लेट मी सी। तो वही बात है, ये सब प्रकार की चिंताओं से ग्रसित होके श्री रामकृष्ण देव के अंतर्मन को देखना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक सन्यासी जो हैं गुवाहाटी से मुंबई जा रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ है, आने जाने का कुछ व्यक्तिगत स्तर है, तो सामने में जो ट्रेन है सामने में एक महिला बैठी है, तो वो आसपास के लोगों के साथ हिंदी में भी बात कर रहे हैं, कोई कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था, उनसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो उनसे पूछ बैठती हैं, तेरे हाथ पांव तो ठीक है, तेरा दिमाग भी ठीक है, देखने में तो लगता है तू अच्छे घर का है। अरे बाबा जी काय को हो गया। तो वही बात है कि बाबा जी काय को बन गया, कहना का अर्थ बाबा जी बन गया मैंने पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई वो भी एक ईश्वर अनुसंधान का जीवन है, उसको उसके बारे में उनके सत्य उस सत्य को जानने के बारे में उनकी उत्सुकता नहीं हुई, इसलिए ये उत्सुकता हो रही है कि ये व्यक्ति इतने सारे आनंद को छोड़ के वो कौन से आनंद में भटक रहा है। ना पैसा है, ना कुछ है, जो कुछ भी ये लोगों का दिया हुआ है, क्या जीवन है। तो वही है मथुर बाबू के जीवन में मन में आ रहा है, क्या करता है, देखने में इतना सुंदर है, स्वरूप अच्छा है, क्या ऐसा जीवन जी रहा है, इसको अवतार बोल रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। तो इसलिए उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जागते हैं और वे चेकिंग करते हैं, ऐसे टेलीस्कोपिक जो माइक्रोस्कोपिक लेके उनके चरित्र को देखना चाहते हैं। अभी बहुत सुंदर आगे वक्तव्य आ रहे हैं, पृष्ठ संख्या 34 बोलते हैं, स्त्री मात्रे जननी ज्ञाने श्री प्रभुर मोने आगागौड़ा श्री मथुर विशेष ये जाने। देखिचे उज्जल उपमा हजार हजार तथापि न जाए संद तामस आंधार। परीक्षार हेतु जुक्ति कोइलो मने मने रूपसी जुगती एक वैश्य संजोट में। ए बाजारे के कैमन कार कथा खाना रसज्ञ श्री मथुरेर विशेष्य जाना। लक्ष्मण बाई वेश्या ओजी रूपवती जोगीर टोलाए रूपे एतेक शकोती। इसमें बड़े ही रोचक तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जब साधना करते हैं तो व्यक्ति जब वस्तुओं से उपराम होता है तो जो शक्ति स्वरूप जब वो देख पाता है उसमें स्त्री के रूप में जननी स्वयं साक्षात विद्यमान है, तो प्रत्येक स्त्री में ही वह उस उच्चतर सत्य को देख पाता है कि वहाँ जननी अपना खेल खेल रही है।
तो ये चीज़, ये वस्तु, ये तथ्य बार बार मथुर बाबू अपने विभिन्न प्रमाणों से ये साबित कर चुके हैं कि हाँ, ये प्रत्येक स्त्री के प्रति मातृभाव है। किंतु मन में तो संदेह है, वो तो जाता ही नहीं है, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने मन की कमजोरियों को देख करके हम दूसरे की को भी कमजोर कभी कभी सोचने लग जाते हैं, और वैसा ही होता है। क्योंकि मन तो कभी सब समय उच्च स्तर के विचारों में टिकता नहीं है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो बड़े आश्चर्य की बात है, एक साम्य अवस्था में किसका मन रह पाएगा? जिन्होंने योग का साधन किया है, जो एकदम अलर्ट है, सावधान है, वही अपने मन को एक स्तर पर लगा के रख सकता है। और दूसरा, जैसे हम देखते हैं अस्पताल में, हम ज़्यादातर यहाँ पे लोग जाते रहते हैं, तो देखते हैं कि जो पैरामीटर्स की जो लाइंस होती हैं ज़्यादातर स्ट्रेट हो जाती हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, ये तो गया, माने डेड बॉडी हो गया। तो ऐसा ही अगर किसी का मन साम्यावस्था में हो, किसी वस्तु से न चंचल हो रहा है न उद्विग्न हो रहा है, तो वो उसको यही बोलेंगे कि इसका विकृत हो गया। किंतु मन की गति जो है उच्चतर स्तर में आगे बढ़ती है, तो उस व्यक्ति को जो स्वस्थ है और इस प्रकार से अपने आप को विभिन्न आकर्षणों से अगर वो केंद्रित कर लेता है अपने अंतर्मन को, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, या जो सब समय सावधान है, जो सब समय अपने मन के क्रियाकलापों के प्रति सावधान है। तो वही है कि यहाँ भी योगी का मतलब है सावधान, क्या करना है क्या नहीं करना है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये श्री राम कृष्णदेव बोलते हैं। कैसे होता है, अगर मान लो इस प्रकार की सावधानी कैसे आती है, मन क्यों अंतर्मन की तरफ कंट्रोल हो गया, नियंत्रित हो गया, कैसे होता है? श्री राम कृष्णदेव बोलते हैं कि मन जो है खाली तो नहीं बैठता है, तो इसलिए अगर विषय से वैराग्य होता है तो ईश्वर से अनुराग होना जरूरी है। जहाँ ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं हुआ, तो दो दिन के लिए मैं अपने मोबाइल से दूर हो गया तो क्या है, फिर आ जाएगा, व्हाट्सएप बनाएगा, फेसबुक बनाएगा। क्यों? वैराग्य पक्का नहीं है, वापस बैक टू पेवेलियन हो गया। तो विवेक जब तक नहीं जागता है तब तक विषय से वैराग्य नहीं होता, किंतु ईश्वर से अनुराग होने से ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं और व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो यही सब परीक्षा हो रही है यहाँ पे, श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा वो ले रहे हैं, और इस बार बड़ी कठिन परीक्षा हो रही है। श्री रामकृष्ण देव भी प्रस्तुत हैं। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कभी कभी सुनते हैं, बोलते हैं कि टाइम मेरा अच्छा नहीं जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब यही है कि आई एम स्ट्रगलिंग मच। तो मतलब क्या है, अरे जितना घसोगे मांजोगे उतना ही तो चमकोगे। तो किसी किसी की उन्नति की हम कहानी पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल किया हूँ तब जाके ऊपर आया हूँ। अरे बहुत स्ट्रगल करना माने आपको घस मांज करके तैयार किया गया है, जितना चमकना है उतना घसना है, चमको तो घसो अपने आप को। वही बात है, पेंसिल से जब अच्छा काम होता है तो उसकी नोक को शार्पनर में शार्प करते रहना पड़ता है, और वही श्री रामकृष्ण देव ने अपने आप को इस कसौटी पे खड़ा करने के लिए तैयार है। आओ तुम मुझे किसी भी प्रकार से अपनी कसौटी पे खड़ा करो। तो वही है, आगे बढ़ते हैं। एके तो जाति जे मोहनत्व सोलो कोला, तदुपरि वेश्यावृत्ति व्यवसाय कौशला। अब यहाँ पुंथिकार बड़े सौंदर्य के साथ, जैसे रानी रासमणी के बारे में बोले, मथुर बाबू के बारे में बोले, श्री रामकृष्ण देव के अंग और कांति के बारे में बोले, तो जिन वरांगनाओं को उन्होंने इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया, उनके भी सौंदर्य और उनके भी कला कौशल के बारे में वे यहाँ बोल रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि और किसी को अगर आक्षेप है तो इसीलिए वो पहले माफ़ी मांग लिए हैं, वही आगे वर्णन कर रहे हैं। एके तो जाति जी मोहनत्व सोलो कोला, तदुपरि वेश्यावृत्ति व्यवसाय कौशला।
ताय संगे मथुरेर होइलो मंत्रणा से जेमन तरतम आर सलोजना एकत्रित राखिबारे ताहार भवने प्रभु के जटना करी दिबेन सेखाने भांगिया प्रभुर कथा सविशेष कहे तेज्जल ब्रह्मचारी ब्राह्मण तनय उत्तरे मथुरे कहे कुहकी मोहिनी बड़ बड़ रथी टले एत तुच्छ ध्वनि जथा दिने सुरंगिनी किछु नाही बाद पातिले भवन मध्य जतो छिलो फांद। इसका हम लोग अच्छे से वर्णन कर चुके हैं इसलिए हम इसमें और नहीं जा रहे हैं। इसके पश्चात ये एक और हम कक्षा का पाठ कर लेते हैं। लोए अकोलंक चांद प्रभु भगवान सांध्य भ्रमणेर हेतु तुलिलो भेटिनी। इस प्रकार से हम इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को किसी प्रकार का कुछ समझने में कष्ट नहीं हो रहा है। जो जो यहाँ नित्य प्रति आ रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए भी था कि ये बंगला में है, बंगला को हिंदी स्क्रिप्ट में ला करके फिर उसका अर्थ करके समझाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा, किंतु जैसा प्रभु जब शार्प करते हैं तो अच्छे से अध्ययन भी करवाते हैं। और जैसे श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि माँ रास ठेले दिच्छे, तो जब अध्ययन चिंतन करते हैं तो ईश्वर की प्रेरणा से वे ही हमको विचार देते हैं कि किस प्रकार से इसका वर्णन और सुगम और सुरम्य हो। तो इसी के पश्चात हम अगली कक्षा को आगे पढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 36 के पश्चात। आइए हम लोग श्री रामकृष्ण देव का स्तोत्र पाठ करके इस सभा का समापन करेंगे। आ चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो व्यहनजहो लोककल्याणमायं त्रैलोक्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या वरवपु सीतयायो हि राम स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोथं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजां अन्धतामिश्रमे गीतं शान्तं मधुरमपिय सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जात प्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्त्रीधामि सोऽयं जात प्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्त्रीधामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। Oh.